आपकी क्या है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर आए या एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इनिशियल डेफिनेशन तो वही आएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ वन सब्सटेंस या वन एलिमेंट इनटू मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। अच्छा सल्फर की अगर देखे जाए तो सल्फर की तकरीबन दो फॉर्म्स हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरी अमॉर्फस है। अब इसके अंदर डेसिल अक्रीम वगैरह वो एक ही है, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी सल्फर पाया जाता है वो एक ही फॉर्म होगी, गंधक जिसे हम कहते हैं, जो हम आम टैंक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वाटर को अपने सरफेस पर वाटर में से जो डस्ट पार्टिकल है उसको सरफेस पर एड्सॉर्ब करने के लिए। वो सल्फर अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हम आगे पीछे करते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर में, और अल्फा सल्फर बीटा सल्फर दोनों क्या होती है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, और बीटा से गैमा सल्फर के अंदर, और ये क्या होती है हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म। इसका मतलब ये नेचुरली अक्रीम तीनों नहीं होती, नेचुरली अक्रीम एक ही होता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी सल्फर होता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अल्फा से बीटा में जाएगा और बीटा से किसमें जाएगा गैमा से जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेते हैं तीनों के, मतलब नाम याद होना चाहिए, और अल्फा बीटा के तीन तीन नेम है, अल्फा के मदीद दो नेम है, बीटा के मदीद दो नेम है, ठीक है, वो याद करने का तरीका सिंपल क्या है, और कम से कम इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो दो से तीन याद होनी चाहिए। टोटल मिला के अगर टू मार्क्स में शॉर्ट नोट आता है तो चार से पांच पॉइंट याद होने चाहिए, नहीं तो ये लाजमी मल्टीपल चॉइस पूछ ही रहेगा कि रोमिक सल्फर को और क्या कहते हैं, मोनोसल्फ्यूरिक सल्फर को और क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, इस टेम्परेचर के ऊपर कौन सा आपके पास सल्फर स्टेबल है, ठीक है। तो इनिशियल जैसे पूरी पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ना समराइज करते हैं एक मिनट के अंदर। पहली बात, एलेट्रॉपी कंप्लीट, एलेट्रॉपी के अंदर सल्फर की एलेट्रॉपिक फॉर्म कितनी होती है, एक क्रिस्टलाइन सल्फर, दूसरा क्या होता है प्लाजिक सल्फर। क्रिस्टलाइन सल्फर फर्दर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर क्या होगा, रॉम्बिक ऑक्टाहेड्रल और अल्फा, ठीक है, मोनोक्लिनिक प्रिज्मेटिक और बीटा, याद करने का तरीका है सिंपल, ठीक है, जिस तरह आप लोग मैंने याद किया वैसे आप लोग भी याद करेंगे, तरीका लास्ट में बता दूंगा मैं। तो अल्फा सल्फर कह लें, ऑक्टाहेड्रल रॉम्बिक कह लें, मोनोक्लिनिक कह लें, प्रिज्मेटिक कह लें, या फिर बीटा सल्फर कह लें, एक ही बात है, असल में अल्फा और बीटा दो फॉर्म है। अब इसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या है भाई रॉम्बिक या अल्फा सल्फर, अगर हम देखें रोम्बिक या अल्फा सल्फर, रोम्बिक या अल्फा सल्फर एक ऑर्डिनरी फॉर्म होती है सल्फर की, जो येलो कलर का होता है, और ये सिंपल क्या होगा भाई, इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्लो इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। नॉर्मली सल्फर हासिल होता है फ्रॉस्ट प्रोसेस से, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट सल्फर को हासिल कर लिया, सल्फर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया नहीं जाता, प्रिपेयर नहीं किया जाता, पहले से बना बनाया एक्सट्रैक्ट की जाएगी, सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे ताकि पूरा का पूरा सल्फर अल्फा की फॉर्म में हासिल हो जाए। येलो कलर का जो ऑर्डिनरी फॉर्म का सल्फर होगा ये सिंपल क्या कहलाएगा, रॉम्बिक सल्फर। अब ये पेल येलो क्रिस्टल होते हैं इसके, इसका मेल्टिंग पॉइंट 112 होता है, इसकी डेंसिटी कितनी है, ये टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो रट्टे लगा ले ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अब इसकी शॉर्ट समरी क्या है भाई, ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ सल्फर विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सल्फर इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन इज नोन एज वॉट, रॉम्बिक सल्फर। रॉम्बिक सल्फर इज ऑल्सो नोन एज अल्फा सल्फर और ऑक्टाहेड्रल सल्फर। इट इज पेल येलो इन कलर और इसका स्ट्रक्चर होता है एस एट मॉलिक्यूल होता है। अभी हम आगे देखेंगे ना इसका क्या होता है, एस एट मॉलिक्यूल। एस एट मॉलिक्यूल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एसिड मॉलिक्यूल है और एक ग्राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरीके से, ये बन गया ग्राउंड शेप स्ट्रक्चर, ग्राउंड शेप स्ट्रक्चर बन गया, ये नजर आ रहा है ग्राउंड शेप स्ट्रक्चर, इस तरीके से यहां पकड़ के रखे हो, यहां से बाहर निकाल दें तो ये ग्राउंड शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एसिड मॉलिक्यूल के अंदर ग्राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता, पानी में तो उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी में जो डस्ट पार्टिकल्स हो उनको अपनी सरफेस पर ये एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं, नोट्स में एलएनएस मौजूद है, एस एट मॉलिक्यूल होता है, ये फॉर्म करता है इसकी भाई क्राउन शेप, इसको कहते हैं पकड़ रिंग। पकड़ रिंग का मतलब रिंग ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, पकड़ रिंग, ठीक है। फिलहाल अभी तो वीडियो जल्दी कुछ कह नहीं सकता, ठीक है।
तो एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, प्रॉपर रिंग की फॉर्मेशन करेंगे और इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया क्राउन शेप एसिड मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसके अंदर, ठीक है। और इसकी बॉन्ड लेंथ कभी कभी पूछी जा सकती है 2.12 इसकी क्या है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अच्छा वो स्टूडेंट जो कि 100% नंबर हासिल करना चाहे वो निशान लगाए बॉन्ड लेंथ वगैरह पर, अदरवाइज बाकियों को लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए मोनोक्लिनिक सल्फर क्या है, अगर हम बात करें रोम्बिक सल्फर की तो अगर इसको 95.5 से ज्यादा टेम्परेचर दे दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा निडल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। निडल लाइक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर में ऊपर तरफ बर्फ जमी होती है निडल लाइक स्ट्रक्चर, या फिर जिस तरीके सवैया होगी कि चीज को क्रश कर दिया जाए, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको बारीक बारीक जो पार्टिकल निकल के आ रहे हैं लंबे लंबे से वो क्या कहलाएंगे निडल लाइक स्ट्रक्चर। निडल सुई की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, ये भी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर हम रोम्बिक सल्फर को हीट करें एक टेम्परेचर आएगा जिस पर दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम पर। अब ये टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, एक होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, दोनों में डिफरेंस मालूम है हम लोग। ट्रांजिशन किसे कहते हैं, अच्छा याद रखिएगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है अगर दो चीजें इक्विलिब्रियम में, अगर दो चीजें इक्विलिब्रियम में ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन स्टेट जो पढ़ा था हम लोगों ने E1 E2 रिएक्शन के अंदर, कि अगर वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह साथ हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट, वो टेम्परेचर जिस पर दो फॉर्म्स कोई भी दो फॉर्म होंगे स्लाइम फॉर्म है अल्फा और बीटा फॉर्म को एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है 95.5 डिग्री सेल्सियस, ऑर्डिनरी टेम्परेचर से 95.5 डिग्री सेल्सियस के जरा पीछे लेस 95.5 तक अल्फा सल्फर क्या होता है स्टेबल, ग्रेटर देन 95.5 अप टू 119.25 तक स्टेबल कौन होता है मोनोक्लिनिक। जब इसको हीट करेंगे होगा क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बाकी तमाम प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, ठीक है। मतलब इसके बाद वही पेल येलो कलर है, वही सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर टारपेन के अंदर, इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्या होगा भाई इसका स्टेबल टेम्परेचर होता है 95.5 से ग्रेटर इन बिटवीन 95.5 एंड 119.25। Then, अगर इसको हम हीट कर दें मदीद इस तरह हीट करें कि ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और इसको डाल दें ठंडे पानी में, अच्छा ये तो ये होता है निडल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है भाई ये निडल लाइक स्ट्रक्चर। ऑर्डिनरी सल्फर को जो आम सल्फर है उसको हम 95.5 से ग्रेटर हीट कर देना तो ये बारी बारी इसके निडल्स फॉर्मेशन हो जाएगी, निडल लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारे पास मीडल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप इसको हीट कर दें टिल बॉइलिंग, देखिए तमाम चीजें तकरीबन सेम है, अब इसकी डेंसिटी कम हो गई क्यों भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पर चीजें डेंस कम हो जाती है, उसकी 2.12 थी इसकी 1.92 हो गई, जरा सा फर्क है लेकिन इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये वही है सॉफ्ट है इसकी की रबर लाइक मटेरियल होता है कन्वर्ट टू ऑप्टिकल मेटल सॉलिड, इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है जस्ट डेंसिटी में डिफरेंस आता है, थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू रोम्बिक सल्फर। आखिरी बात प्लास्टिक सल्फर, अब देखिए प्लास्टिक सल्फर क्या होता है, प्लास्टिक सल्फर ये होगा कि अगर हम ऑर्डिनरी सल्फर को हीट कर रहे हैं 95.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, अल्फा सल्फर को हमने हीट किया और 95.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल रहे, ठीक है, टेम्परेचर एट विच अल्फा एंड बीटा सल्फर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। याद करने का तरीका क्या है, यह है राव आर ए ओ राव, ठीक है, अगले राउंड वर्ड्स रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर और ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या है एमपीबी मोनोक्लिनिक प्रिज्मेटिक और बीटा सल्फर। अब इसको 119 तक लेस देन 95.5 तक अल्फा स्टेबल था, इन बिटवीन 95.5 टू 119.25 तक कौन स्टेबल था
बीटा, द स्टेबल टेम्परेचर ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन 94.5 एंड लेस देन 119.25. इससे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसकी बॉयलिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसको डालें ठंडे पानी के अंदर. जैसे ठंडे पानी में डालेंगे तो जो सल्फर जहां था वहीं पे आगे स्टिक हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, इसमें इलास्टिसिटी आ जाएगी, इलास्टिक नेचर आ जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा गामा सल्फर के अंदर जो क्या होता है इलास्टिक नेचर का होगा. ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि अगर हम 119.25 का टेंपरेचर को इंक्रीज कर दें, इंक्रीज करने पर ये बॉइलिंग तो बॉइलिंग करने के लिए क्या आ रहा है, बॉइलिंग ठंड में क्या होगा, इसको डाल दें ठंडे पानी के अंदर. जब ठंडे पानी में डाल देंगे इसको तो ये इसमें प्लास्टिक नेचर आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट सारे के सारे पहले क्या थे भाई, ये हमारे पास जो इनिशियल मॉलिक्यूल थे वो एस एट मॉलिक्यूल थे, तो ये एस एट मॉलिक्यूल ये बन गया, एस एट से दोबारा एस एट हासिल हुआ, मतलब अल्फा से बीटा, और इससे क्या हासिल हुआ, इससे हासिल हुआ गामा सल्फर जो किस नेचर का है, प्लास्टिक नेचर का. ठीक है, तो कम से कम आप लोगों को चार से पांच पॉइंट्स के याद होने चाहिए.